अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीब रहमान और आज हम आए हुए हैं एक बहुत ही ख़ास मदरसे में, जहाँ आने का बड़ा दिल कर रहा था। और हमारे जामिया तो रशीद के करीब ही है मदरसा, जामिया सिद्दीकिया। ये मौलाना मंजूर मेंगल साहब का मदरसा है और अभी तामीराती काम इसमें जारी है। अभी हम वहीं खड़े हैं, अंदर पार्किंग में खड़े हैं, आपको पीछे दिखाते हैं। ये उनकी मस्जिद है वहाँ की, और बाकी मदरसा आगे पीछे बना हुआ, बहुत बड़ा रकबा है यहाँ का। लेकिन जो है ना, अभी तामीराती काम जारी है। जैसा भी आपको है, मदरसा दिखाते हैं और यहाँ की बरकात भी लेते हैं। और आज हमारे साथ बड़े स्पेशल बंदे हैं। कौन है? अरे भाई, तो गए हैं अटक किसी काम से, हम कराची में, और हमारे साथ है सलमान भाई। तो आज पहला टूर है सलमान भाई का हमारे साथ, और पूरा टूर सलमान भाई के साथ ही होगा। तो चलें फिर सलमान भाई से ही मिलाते हैं और बाकी आपको मदरसा भी दिखाते हैं। हमने असर की नमाज़ पढ़ी है और यहाँ सलमान भाई को तो दिखाए ना। सलमान भाई आए ना, थोड़ा सा सलाम दुआ करें। और यह तो ये हमारे सलमान भाई हैं। और अभी हम जो है ना मस्जिद में हैं खड़े हुए, जामिया सिद्दीकिया की मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है। और आपको थोड़ी सी मस्जिद दिखाते हैं, फिर बाहर चलते हैं, मदरसा दिखाते हैं। जैसा भी छोटा सा मदरसा है, यानी बना हुआ छोटा सा है, मगर रकबा बहुत बड़ा है और कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है, वो भी आपको। ये जामिया सिद्दीकिया की जो मस्जिद है उसके हाल में आए थे। आप देखिए कितना बड़ा हाल है और कितना खूबसूरत हाल है। और आपको एक मज़े की बात बताएं, जिस मदरसे में जाते हैं तो हमारी शुरुआत तकरीबन मस्जिद से ही होती है। तो यहाँ की भी हमने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और आपको मस्जिद दिखाते हैं कितना बड़ा और ख़ूबसूरत यहाँ का हाल है। और बाकी आपको बाहर भी दिखाएं हमने। और सलमान भी थोड़े से डर रहे हैं, चलें उनको फिर भी लेंगे हम। जी, तो अभी हम मस्जिद से बाहर आए हैं। पीछे आप देख लोगे बहुत बड़ी सी मस्जिद है, पूरी वहाँ से लेकर यहाँ तक सारी मस्जिद, और ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। सलमान भाई पीछे फिर रहे हैं। और उसके अलावा आप पीछे आपको मदरसा दिखाते हैं, ये देखिए सारा ये यहाँ से यहाँ तक मदरसा है, और भी बहुत बड़ा यहाँ का रकबा है। वो थोड़ा सा घुमा के दिखाते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा वज़ूखाना सा, कपड़े यहाँ धोते हैं तलबा, वो जगह बनी हुई है। आगे और भी कुछ कमरे और वाशरूम्स वगैरह जगहें बनी हुई हैं। तो आपको चलें दिखाते हैं, थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह यहाँ के लेते हैं। छोटा मदरसा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है ना यहाँ तकवीत है, और तलबा के चेहरों से नूर नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छा हमें लगा यहाँ आकर, और आपको भी दिखाते हैं थोड़ा सा और। अच्छा, इधर साइड पर आए थे, थोड़ा चलते फिरते बात करते हैं ना। हमने आज असर के बाद हमने सोचा चलो यार ये व्लॉग शूट करते हैं, और जामिया सिद्दीकिया मंजूर मेंगल साहब, मौलाना मंजूर मेंगल साहब का मदरसा, इधर आए, तलबा से बातचीत की, बड़ा दिल खुश हुआ हमारा। और अभी इधर थोड़ा साइड पर आए थे हम। मदरसा इसी तरह ये कच्चा सा मदरसा है, लेकिन यहाँ पर असल चीज़ तो मदरसे की या किसी भी इदारे की होती है वहाँ का काम। यहाँ पर जो अच्छा, मैं एक और आपको बताऊँ, इधर एक तो काम भी बहुत ज़बरदस्त है, और दूसरी बात कि यहाँ पर कल थी ख़त्म बुखारी। अब ख़त्म बुखारी क्या है? ख़त्म बुखारी जो एनुअल प्रोग्राम होता है ना, जहाँ जो फाजिल बनते हैं, आलिम बनते हैं, तो उनकी दस्तरबंदी जिसे कहते हैं, और आमीन कुछ लोग कहते हैं, इस तरह ख़त्म बुखारी असल नाम होता है, ख़त्म बुखारी थी। तो वो कल थी, और आज मेरे ख्याल से तलबा को छुट्टी भी है, तलबा कम नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं, आपको थोड़ा और दिखाते हैं। अच्छा, ये आप सामने जो मेरे कमरे देख रहे हैं, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया, ये यहाँ पर तलबा की रिहाइश वगैरह है। अभी असर का टाइम है, कुछ तलबा अंदर बैठे हुए हैं, कुछ बाहर खेलने गए हुए हैं। आपको दिखाते हैं, तलबा उधर खेल रहे भी हैं। बाकी साथ यही मदरसा है, और कुछ असाज़ा के घर वगैरह हैं। आपको आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। यहाँ पर अभी तलबा जो है ना सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है इनको देखकर। और आपको एक और मज़े की बात बताते हैं, जो हमने आपको कमरे दिखाए ना, यहाँ पर भी आप पीछे देख रहे होंगे कमरे, और इस तरफ भी पीछे जो हमने आपको कमरे दिखाए थे, ये तलबा ने अपने ख़र्चे पर कमरे बनाए हैं। ये बात सुन के हम बहुत हैरान हो गए, तलबा ने अपने ख़र्चे पे कमरे बनाए हैं। और यहाँ पर आप कुर्बानी देखें तलबा की कितनी है। यहाँ से बड़ी अच्छी रोशनी आ रही थी, और अभी हमारे साथ एक भाई थे जिन्होंने हमें जामिया सिद्दीकिया के क्लासों के पास लेकर आए हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये सारी क्लासें भी तामीराती काम जारी है, जिस तरह हमने आपको बताया, इस तरफ भी क्लासेस बन रही हैं, इस तरफ भी। तो आपको सही से जो है क्लासेस दिखाते हैं ज़रा शॉर्ट्स लेकर। बाकी तहफीज़ का शोबा है जहाँ हिफ़ होता है, वहाँ चलते हैं, तखसुसात देखते हैं, दौरे हदीस की क्लास देखते हैं, और आपको भी दिखाते हैं। मेराती काम जारी है यहाँ पर, देखें लोग काम कर रहे भी हैं। और उसके अलावा
अभी यहाँ क्लासेस होती नहीं है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर अभी काम चल रहा है। बाहर चलते हैं, आपको थोड़ा सा बाहर से दिखाते हैं। यहाँ पर उला की, सानिया की, सालिसा की, सारी राबिया, खामिसा, सादिसा, सारी क्लासेस सादिसा तक है, और साबिया और दोहरा दी सबको दिखाते हैं। अभी हम इधर तहफीज़ के शोबे में आए थे जहाँ पर हिफ्स होता है, तो अभी ऊपर आए हुए थे, पीछे आप देख रहे होंगे ये अभी हम दूसरे फ्लोर पर आए हुए थे। आपको इधर हिफ्स की क्लास दिखाते हैं, एक बार अंदर चलते हैं हम। यहाँ पर हिफ्स की क्लास यहाँ एक होती है, यहाँ होती है, और साथ में ये दूसरी तरफ एक कमरा है, यहाँ पर भी हिफ्स की क्लासेस होती हैं। अभी हमने आपको दरस निज़ामी की कुछ क्लासेस दिखाई, हिफ्स की दिखाई, अब हम चलते हैं दौर हदीस आपको दिखाते हैं कि दौर हदीस जो होती है, आपको जो सर हमने पहले भी बताया था, पहले जब मदारिस में गए थे, कि वो सबसे आखिरी दर्जा होता है और सबसे जो है ना मौज़ब क्लास होती है। तो चलते हैं दौर हदीस और आपको दौर हदीस दिखाते हैं। ये अभी हम दौर हदीस आए थे, लेकिन ये बहुत बिखरा हुआ है, आप भी बोल रहे होंगे मदरसा काफ़ी बिखरा हुआ है। असल में हमने आपको बताया ना, इधर कल ख़त्म बुखारी था, लास्ट प्रोग्राम था, तो इसलिए तलबा ने जो है ना खिदमतें वगैरह की हैं और भी पढ़ाई भी नहीं हो रही, तो इसलिए सब कुछ बहुत बिखरा हुआ है। इसको इग्नोर करें, आप मदरसे को देखें कि ऐसे माहौल में भी तलबा रहते हैं। हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे मदारिस तो दिखाए, लेकिन यहाँ पर असल कुर्बानियाँ तो यहाँ पर हैं। अभी मदरसे की छत पर आए हुए थे, जो हमने आपको दौरे हदीस दिखाया उसकी छत पर आए हुए थे, और ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पूरा रकबा अभी यहाँ पर खाली है, लेकिन कुछ अरसे में, कुछ सालों में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मदरसा बनने वाला है। और जो मस्जिद हमने आपको दिखाई, तलबा नीचे खेल रहे हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त, हमें तो माहौल बड़ा अच्छा लगा। ऐसे भी मदारिस होते हैं, और इंशाल्लाह आपकी जो तलबा की जो तकवीयत है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, कि तलबा ने अपने ख़र्चे से घर बनाए, इधर कमरे बनाए, उसमें रह रहे हैं, कितनी कुर्बानी है देखें मदारिस की। और चलें आपको थोड़े से शॉर्ट्स दिखाते हैं। अच्छा, तो सलमान भाई से थोड़ी सी राय लेते हैं, सलमान भाई से तो आपको मिलवाए नहीं। सलमान भाई, कैसा लगा आपको मदरसा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये देखी कि तलबा जिस तरह मुशक्क़त उठा के यहाँ पढ़ रहे हैं, वो बहुत एक अजीब चीज़ है कि पहली मरतबा देख रहे, क्योंकि हम तो जामत रशीद में जामत रशीद का जिस तरह हमने आपको व्लॉग दिखाया वहाँ पर, तो किस तरह सहूलियात दारुलूम का हमने दिखाया, किस तरह सहूलियात यहाँ हमने आके असल मुशक्कत देखी। क्यों सलमान भाई, ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, तलबा ने अपने साथ ही मतलब कुछ बंदे मिलकर अपने कमरे बनाए, अपने रिहाइश बनाई, तो ये बड़ी अच्छी बात थी। तो हमने आपको दिखाया जामिया सिद्दीकी, और छोटा सा ही मदरसा था, मगर बड़ा हमें अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा, बहुत बड़ी जगह थी यहाँ की। और चलें फिर, इजाज़त दें हमें अगले व्लॉग तक, अभी कुछ बड़ा भी आने वाला है, उसके लिए थोड़ा सा सब्र भी करें, और फिर बताएँ अगला मदरसा आपको कौन सा देखना है। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।